भी हमसे जीता नहीं है। हमारा आपका खिलाफ मसले में नहीं है जी, क्योंकि फिकह हनफी आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। मैं समझ गया हमारा और आपका जो इख्तिलाफ है अकाइद में है, अकाइद में। मैं किसी अकाइद पे आपसे बात करूंगा। मुझे मालूम है, मुझे आपने जो उस रोज कहा था कि आप किसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं वो आपने गलत कहा था, मुझे मालूम है। मैं बाद में बात करता हूँ इंशाल्लाह आपसे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ आपसे अकाइद पे बात करूंगा जी। ठीक इंशाल्लाह, ठीक है। नहीं कल या जिस दिन भी टाइम मिले, अगर आपको टाइम मिले तो फोन कर लेना, मैं कर लूंगा। कल 9 से 10 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। आप अपना काम निपटा लो, निपटा लो, कोई बात नहीं करूंगा इंशाल्लाह, मैं खुद कॉल करूंगा आपसे। चलिए आप काम निपटा लो, फिर किसी दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबा अलहुदा। जी मुफ्ती साहब खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या बात, आज आवाज में आपके कुछ फर्क मालूम दे रहा है? नहीं मैं असल में अभी एक मीटिंग से ही आया हूँ। अरे किस मीटिंग है, किसी नहीं करते हो आप, क्या नेतागर्दी भी करते हो क्या मुफ्ती साहब? मैं दरअसल AIMIM से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा 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 जी, दरअसल मैं निसाबी मौलवी कम। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तभी तो कह रहा हूँ आवाज में भी आज फर्क मालूम दे रहा आपकी। जी दरअसल आज मीटिंग थी, कल सहारनपुर प्रोग्राम भी हुए थे साहब का, तो उसमें भी जाने का इरादा है। जी 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 जी, ऐसे ही चलता है। तो आज कुछ वक्त देंगे हमें? जी जी, आपका ही वक्त है मुझे बिल्कुल। नहीं अगर भाई, नहीं अगर टाइम हो तो थोड़ी सी गुफ्तगू। अरे आप अगर टाइम हो तो थोड़ी सी गुफ्तगू करें आपसे। जनाब जनाब, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ कुछ आपसे। जी 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 जी, आपका क्या मौकिफ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर? क्या अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया? जी कुरान करीम में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र भी किया है कि मोहम्मद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ नहीं कहते, इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वो जो कहते हैं वो सिर्फ वो होता है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको वही देता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते के जरिए से उन तक पहुंचाता है और आका अलैहि सलातु वस्सलाम वो पहुंचा देते हैं। हाँ ये बात जरूर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के बहुत सारे राज जो आका अलैहि सलातु वस्सलाम पर खोले हैं वो किसी और पर नहीं खोले, और आका अलैहि सलातु वस्सलाम हम इंसानियत में सबसे ज्यादा जितने इंसान रहती दुनिया तक के हैं तो आका अलैहि सलातु वस्सलाम का इल्म उन सबसे बड़ा इल्म है, मेरा अकीदा ये है। जी जी, तो आप इस बात को मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में जितने इंसान हैं उनके इल्म गैब के मुताबिक, इल्म के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज्यादा, यानी दुनिया एक तरफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल एक तरफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब ऐसे जैसे रब का इल्म एक समंदर सात समंदर, और नबी का इल्म ऐसे जैसे का एक चिड़िया पानी का कतरा, ये यकीन है आपका? आपकी आवाज कट गई जनाब। जी मैं यही बोल रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म के सामने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म ऐसा जैसे कि अल्लाह का इल्म सात समंदर जी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म नबी अल्लाह के सामने जैसे कि एक चिड़िया उस समंदर से एक पानी का कतरा अपने मुंह में ले ले ले। ऑफ कोर्स यस, मतलब अल्लाह ताला का इल्म जो है वो खुद से है जाती है, लेकिन नबी करीम जी आताई है, आका का इल्म हाँ। आताई है और अल्लाह का इल्म जाती है जी। तो मानते हैं आप इस बात को कि अल्लाह ताला का अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया? जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बात मुकम्मल सुने जी। इसमें ये तमाम के तमाम उलमा किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हूँ। पहली बात तो जनाब जी है कि देखिये मैं ना, चूंकि मैं किसी भी तरह फिरकावारियत पर यकीन नहीं रखता हूँ, पहली बात मेरी पार्टी का मौकिफ यह है कि हम किसी भी मसलक को इस्लाम समझ गए मेरी। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि अगर तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा खुद का अकीदा जानना चाहते हैं, तो मेरा जाती अकीदा यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म अता किया गया उतना जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देना चाहा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत के मंशा के मुताबिक आका अलैहि सलातु वस्सलाम के पास इल्म पहुंचा, जो के पूरी आलम इंसानियत में सबसे ज्यादा इल्म आका के पास है। बेशक बेशक बेशक, हमारा भी अकीदा यही है मुफ्ती साहब, हम भी यही मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को गैब का इल्म अता किया जी, समझे नहीं, यही हमारा अकीदा है। अब हमारे इस अकीदे पर जो हमें लोग काफिर और मुशरिक कहते हैं, तो उसके लिए आप अपना मौकिफ और जरा बयान कर दें, उसके लिए आपका मौकिफ क्या है? अगर 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 सिर्फ और सिर्फ इस अकीदे पर कि आका का इल्म जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया वो आका का आलम इंसानियत में सबसे ज्यादा है, अगर इस अकीदे के मुताबिक कोई किसी को मुशरिक कहता है तो वो गलत कह रहा है इस अकीदे के मुताबिक। जी हाँ, तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात का बुरा ना माने, फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, आपकी आपका अंदाज जो मुझे बहुत अच्छा लगता बात करते हुए। कुछ देवबंदी मुफ्तियों से मेरी बात होती है तो वो हम पर ये फतवा लगाते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म माने तो वो मुशरिक है। अच्छा जी नहीं, ये कतन बिल्कुल इस बात को कहना अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ये अगर वो अगर आप में से कोई शख्स ये कहे कि आका अलैहि सलातु वस्सलाम को गैब का कुल्ली इल्म है तो आप गलत हैं। नहीं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये तो अल्लाह की जात है, एक वो खुद से है। अच्छा, अगर कोई उसका अपना है। मैं उलमाए देवबंद में जितना रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ ये कम इल्म उलमा तो कह सकते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या इस बात पे आपको या किसी को मुशरिक कह दिया जाए, वरना तो उलमाए देवबंद का भी अकीदा यही है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म इस आलम इंसानियत में सबसे ज्यादा इल्म आका को हासिल है। जी मुफ्ती साहब, अब एक बात जी मैं आपको एक बात और बताऊं कि इस वक्त जो है एक हाफिज अली सगर है तुम्हारे देवबंदी के मौलवी हैं, वो शायद हाफिज हैं, हाफिज मैं नहीं जानता, वो आप नहीं जानते, गुजरात के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि आताई इल्म गैब होता ही नहीं है। जी वो ये कहते हैं कि आताई इल्म गैब होता ही नहीं। अच्छा बताइए, फिर जो आका अलैहि सलातो सलाम को मुश्तबिहात और हुरूफ मुश्तबिहात जो हैं जैसे अलिफ लाम मीम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने मेरी तबीयत खुश कर दी मुफ्ती साहब आज जी। तो फिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि फिर अगर ये नहीं है तो ये इल्म कौन सा इल्म हुआ? जी माशाल्लाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाता है कि हमने दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें बयान नहीं कर दी हो, लेकिन कोई माई का लाल इल्म वाला ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हरूफ मुकत्तआत हैं इनके तर्जुमा कर ले, लेकिन रब और रब का महबूब जानते हैं कि ये क्या राज है। जी मुफ्ती साहब, है नहीं? जी बिल्कुल। तो अगर अताई इल्म गैब नहीं होता तो इसका राज भी फाश हो जाता फिर? नहीं, और इल्म अताई को वो मना कर रहे हैं कि, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि अताई जो होता है वो इल्म गैब नहीं होता। जी, तो इल्म गैब अताई होता ही नहीं। गैब क्या होता है उनके नजदीक? इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के लिए है ये कहते हैं वो। अब अल्लाह के लिए कौन सी चीज गैब है साहब, मुफ्ती साहब ये बताइए, अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज भी गैब नहीं है। अरे सोचिए आप जरा, आप काफी इल्म रखते हैं। नहीं वो देखें, मैंने उनको नहीं सुना और बगैर सुने मैं किसी पर कोई भी तबसरा करने से गुरेज करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर वो उसको गैब का इल्म, जिस गैब के इल्म का वो जिक्र कर रहे हैं, तो गालिबन वो ये कह रहे हैं कि वो गैब का इल्म जो इंसानियत के लिए गैब है और अल्लाह के लिए वो गैब नहीं है। नहीं, ये मकसद नहीं है उनका। उनका मकसद ये है, जब हम इल्म गैब की उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो बरदस्ता ये कहते हैं मुतलकन कि इल्म गैब अताई होता ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है ही नहीं, और वो कुरान की मुतशाबह है जो आयतें हैं उन्हें पेश करते हैं। अच्छा जी, तो फिर वो इस इल्म के इनकारी हैं आका के? हाँ, इनकारी कहते हैं वो, कहते हैं जी जी, वो कहते हैं इल्म गैब होता ही नहीं, अताई इल्म गैब होता ही नहीं है, जबकि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह इमदादुल मुश्ताक में खुद कहते हैं कि इल्म गैब अताई होता है, और जो ये दलीलें बनाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका वाली रिवायत को दलील बनाते हैं, और एक दो जंगे का वाक्य बयान किए उन्होंने, और भी वाक्य बयान किए हैं कि ये गलत है, इससे दलील बनाते हैं, क्योंकि इल्म गैब के लिए तवज्जो जरूरी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी बात की कोई खबर ना दी या ना बताया तो उसके लिए इससे इनकार नहीं है, और कुरान के अंदर जो भी आयतें नफी में नाजिल हैं तो वो ज़ाती इल्म गैब के लिए हैं।
जी देखिए, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि ये जिस बहस में हम और आपको डाला गया है ये नहायत फजूल बहस है। इसलिए फजूल है कि एक ऐसा वक्त जब हम सब के लिए आन पड़ा है कि हम सब सब के सब इस्लाम का आलम किस तरह बुलंद करें, हम अब भी यहाँ पे लड़ रहे हैं कि आका को कौन सा इल्म हासिल है। नहीं, मैंने जो आपको फोन किया है मुफ्ती साहब, ये मेरी आपकी लड़ाई झगड़े की बात नहीं, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करना चाहते हैं कि बिल्कुल कोई मतलब फजीलत नहीं, माशाल्लाह इस तरीके से मतलब बात करते हैं। वैसे ना मैं ऐसे किसी आलिम से नहीं मिला जो ये कहता हो कि आका आलिम। चलिए आपको किसी दिन अगर मेरा मौका लगा इंशाल्लाह तो मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लूंगा और मैं ऐसे आलिम से भी आपको मिलवाऊंगा, आप खुद बात करना उनसे। अच्छा, अगर आप इजाजत देंगे मुझे तो मैं मिलवा दूंगा। जी जी अच्छा, आप मुझसे मिलने कब आ रहे हैं? मैं मेरू पहले आप मुझे ये बताएं कि ये रिकॉर्डिंग मैं आपकी कौम की इसलाह के लिए यूट्यूब पर चढ़ाऊंगा, आपको कोई गुरेज तो नहीं है इससे? नहीं मैं, अच्छा वैसे मैं माजरत चाहूंगा, अगर आप मुनासिब समझें तो इस रिकॉर्डिंग को रहने दीजिए, इससे आवाम को बहुत पाए। मुफ्ती साहब मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि इससे आवाम को बहुत फायदा पहुंचेगा और बहुत अच्छी आपने मुझसे गुफ्तगू की है, माशाल्लाह मेरी तबीयत खुश हो गई है क्योंकि ऐसे जो है बात करने वाले बहुत कम मिलते हैं। जज़ाकअल्लाह। मैं ना आपका नंबर डालूंगा, सुनो ये मेरा वादा है, ना मैं आपका इस पर नंबर डालूंगा और ना ही आपका कुछ पता डालूंगा इस पर, ना ही आपका नाम डालूंगा। अच्छा हाँ, सिर्फ गुफ्तगू डालूंगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, ये नहीं है कि मैं जमाने से टकराने से डरता हूँ, मैं तो जालिमों से डर रहा हूँ। वो मैं समझ रहा हूँ आप जिसलिए कह रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया है कि पार्टी का मौके। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, ना मैं आपका नंबर भी नहीं डालूंगा इस पे, हालांकि आपका फोटो भी मेरे पास है। अच्छा जी, मैं आपका ना फोटो डालूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, और ना आपका नंबर डालूंगा और ना ही मैंने आपसे अब इसमें रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैंने आपसे अपना आपका नाम भी मालूम नहीं किया है क्योंकि मैं आपका नाम भी रास्ते नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं जरा आवाम की इसलाह होगी कुछ, जो भोली भाली आवाम जो है ना, जिसे ये लोग जो है गुमराह करना चाहते हैं, वो जरा समझ तो लेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, जज़ाकअल्लाह। ठीक, अस्सलामुअलैकुम।